बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम, पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, खजाने के ताल से किस तरह से जल आगे बढ़कर यमुना जी के रूप में प्रकटित होता है, उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं आप श्रीराज जी श्यामा जी की मेहर से। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सब अपनी आत्मिक दृष्टि को, अपने निज नैनों को हुम्मा जी में लेकर चलते हैं। दिल में ये भाव दृढ़ करते हुए कि मैं धाम धनी जी की अंगना नार हूं, मेरा नूरी स्वरूप है। तारतम का मौन जप करते हुए हम सभी रूहे मिलकर गुम्मर जी में साक्षात विराजे पिया प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचते हैं और उन्हें सिजदा कर रहे हैं, उनके नूरी चरण कमलों में फेर फेर नमन कर रहे हैं और बड़े ही प्यार से पिया जी की उन नूरी बैठक, पिया जी के अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक स्वरूप का बड़े ही प्यार से अपलक निरख रहे हैं। पिया जी का बेशुमार लाड, उनका प्यार कि कैसे एक पल में ही अपनी लाडली रूहों का हाथ थाम के उन्हें शर अक्षर ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में पहुंचाते हुए मेरे वाला जी, मेरे पिया जी। और हम सब खुद को देख रहे हैं श्री परम धाम में उखराज पहाड़ की तरटी में उन खजाने के ताल के पास जल रोस पर अपनी धाम की लाडली सखिया साथ में है, हमारे युगल पिया श्री राज श्यामा जी भी हमारे साथ में। परम धाम में पहुंचते ही अंग अंग पुलकित होता हुआ, अंग अंग में उल्लास और जब श्री राज श्यामा जी सन्मुख हो तो उन समय के सुखों का वर्णन। ताल रोज पर आई सुंदर बैठ के उन बैठकों में पिया जी विराजते हैं और घिर कर हम सभी रोहे, और कैसे पिया अंगुरी के इशारे से पुखराज पहाड़ की संपूर्ण तरटी की शोभा दिखलाते हुए हमारी नजर लेकर चलते हैं खजाने के ताल की ओर। खजाने के ताल में पांच पेड़ प्रकट होते हुए ठीक मध्य चारों दिशाओं में
ये पांचों पेड़ धनी की संपूर्ण नियामतों को समेटे, मेहर, इश्क, इलम, जोश, संपूर्ण नियामतें, उखराज पहाड़ के आधार स्तंभ, ये पांच पेड़, और ठीक मध्य से जल का स्तोल ऊपर को जाता हुआ, तो पिया जी लेकर चलते हैं इन स्तून के संग संग। कैसे ये स्तून ऊपर की ओर जा रहा है, पल पल सोपान पार करता, पल पल सीढ़ियां आगे बढ़ता, हजार हाथ चबूतरे के चौरस चबूतरे पे प्रकट होके पांच भूम तक सीधी शोभा जाती हुई, आगे छज्जों का विस्तार, भूम दर भूम, ये जल का स्तूल हजार हाथ चांदनी पर आगे आकाशी महल के मध्य में से होता हुआ आकाशी महल की चांदनी पर पहुंचा, और पिया संग चांदनी पर इनकी शोभा देखते हम सब रोहिणी। दिल चाही मन चाही बादशाही, जिस पल जहां जो शोभा देखनी है उसी पल खुद को वहां महसूस करते हम सब। आकाशी महल की चांदनी ठीक मध्य में, वो विशाल कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर हमारा अर्शे मिलावा, और उन चबूतरे के तले जल का स्तूल फूटता हुआ, चारों कोनों से जल की बेशुमार धाराएं, वो जल की गति, जल की शीतलता, सुगंधी, उन मनोरम नजारे को देखते हुए जल की उछलती बूंदियां मानो आसमान तक नूर ही नूर, आसमान की ऊंचाइयों में हम सब, और अब ये जल भूम दर भूम तले उतरता हुआ हजार हाथ चांदनी पर पहुंचता है, हजार हाथ चांदनी पर हमने देखा दो नहरें, दो धाराएं होती हुई, और एक धारा की ओर नजर करी तो ये धारा तो भूम दर भूम तले को जाती हुई और खजाने के ताल में जाके समाती हुई, और जल की दूसरी धारा उखराजी ताल की ओर बढ़ती हुई गुप्ता को पूर्व दिशा के मुख्य द्वार से इन चार नहरों में प्रकट होती हुई उखराजी ताल की पश्चिम दहलाने सुंदर नूरी शोभा, ऊपर खुला आसमान और चार विशाल नहरें, तीन बैठकों की शोभा, और ये जल की धारा 20 भोंग ऊपर से उखराजी ताल में गिरती हुई, उन समय जल की गर्जना, जल की उछलती बूंदियां, और पुनः शोभा देखी कि यहाँ पर दो धाराएं होती हुई, एक धारा तो तले की ओर चली भूम दर भूम उखराजी ताल की भूमों में दहलानों में जल विचरण करता हुआ बंगलों की छठी चांदनी पर, छठी चांदनी पर पुनः दो धाराएं होती हुई, एक धारा तले, वो जो हाथी घोड़े गेंडे के मुख आए हैं उनसे जय बच्चों में पड़ता हुआ, और वहां से तरटी में जल समाता हुआ, और जल की दूसरी धारा के संग संग चले तो ये धारा उखराज की ओर बढ़ती हुई, उखराज और बंगला को जोड़ने के लिए जो कुंड आया है उन कुंड में छठी चांदनी से जल धाराओं के रूप में गिरता होगा, अलौकिक शोभा, उखराज
और बंगला के मध्य विशाल कुंड, और कुंड में बंगलों की छठी चांदनी से जल की विशाल धारा गिरती हुई, पुखराज के रंग समेटे, बंगला की संपूर्ण शोभा समेटे। उन जल की धारा में बंगला और पुखराज की संपूर्ण शोभा प्रतिबिंबित होती हुई। और यहाँ पर जो जल की दूसरी धारा थी, ये धारा चलती है पूरब की दहलान की ओर, 980 भोम से चार नहरों के रूप में, और अद्वीज के कुंड में चार की चार 16 धाराएं गिरती हुई। इन समय शिवराजी श्यामा जी के संग हम अद्वीज के कुंड की खास मोहलों की चांदनी पर हैं और सामने ढलानों की तरफ नजर करते हैं, तो जल की 16 धाराएं 500 भोम ऊपर से, लगभग 500 भोम ऊपर से अद्वीज के कुंड में गिरती हुई शिवराजी श्यामा जी संग खास माहौल की चांदनी पर, और सामने 16 धाराएं, प्रत्येक धारा अपनी खुशबू अपना रंग समेटे। और जब ये जल की धारा अद्भीज के कुंड में पड़ती है, तो उन समय की मधुर गर्जना और जल की उठती महीन बूंदियां पूरे समा को भिगोती हुई, और ये बूंदियां भी तो चेतन है पिया जी का, शिवा जी के चरणों को स्पर्श करके सिजदा करती हुई। और शिवराज श्यामा जी और रूहों के नूरी अंग पर लगकर शोभायमान होती हुई। और अब जल यहाँ से अद्वीज के कुंड में जो डूबे हुए स्तून आए हैं, उन स्तूनों से ये जल भोम दर भोम तले उतरता हुआ, भोम दर भोम ये जल तले आता हुआ। भोम दर भोम ये जल तले आता हुआ और तरटी में समाता हुआ। अद्वीज की कुंड की तरटी से ये जल पहुंचता है ढपो चबूतरा की तरहटी में। अद्वीज के कुंड की तरहटी हो, ढपो चबूतरा की तरहटी हो, समान रूप से शोभायमान। पहले मोहलों की हारे, आगे बगीचों की हारे, ठीक मध्य ताल की शोभा। और अब ये चल चलता है मूल कुंड की तरहटी में, और मूल कुंड की तरहटी की अलौकिक शोभा धनी रूहों को दिखला रहे कि कितनी प्यारी शोभा। पुखराज से जो जल की नहर तरटी से भी भूम भर गहरी आ रही थी, वो यहां तक आई मूल कुंड के ठीक मध्य कोट दीवार, चारों दिशाओं में 2 भोम ऊंची कोट दीवार, और इन कोट दीवार के पश्चिम में जो नहर, वो नहर उसी लेवल में जो पुखराज बंगला अद्वीज के कुंड ढपो चबूतरा से होती हुई आई है, एक सीधी नहर। और ये जल है तरटी से भी भूम भर गहरा, और इन जल को अब जमुना जी के रूप में प्रवाहित करना है, तो इन जल को परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा करना है, यानी 1 भूम ऊंचा उठाना है। तो इन शोभा को हम देखें, एक हार महल, एक हार बगीचों की पिया दिखलाते हुए, ठीक मध्य में कोट दीवार नूरी आभा लिए रंगों नगों में झिलमिलाती, और इनके भीतर 3 भूम गहरा जल अद्वीज के कुंड से जो प्रवाह से जल आ रहा है, वो इस कुंड में इकट्ठा होता हुआ 3 भूम गहरा जल
और यहाँ से जल जब आगे आएगा तो ये जल जमुना जी के लेवल में। वो प्यारी सी झुकती धनी दिखलाते हुए इन बगीचों में पिया संग खड़े हैं। सामने भूम भर ऊंची दीवार, इन्हीं दीवार में पान जल रौस और ये भूम भर गहरा जल, उन्हें जल रौस पान और इस शोभा के संग संग जब मूल कुंड की पूरब की तीन दहलानों से बाहर निकले तो यही हमारी जमुना जी। मध्य मेहराब के ठीक सामने रौस और आगे चार घरनाले पिया दिखलाते हुए और इन चार घरनालों से यमुना जी का प्रकटन।